कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, इन बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे रिश्ते नाते हैं, इन रिश्तों का क्या। अगर आपको लगता है कि यह महज एक शायरी है तो शायद आप गलत हैं। मामला सनौला थाना क्षेत्र रामासी गांव का है, जहां माँ और बेटी का एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध था। एक माह पूर्व पति ने पत्नी और बेटी को उसके प्रेमी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था। 8 जुलाई की रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे तो माँ बेटी और प्रेमी तीनों ने मिलकर परिवार के मुखिया कैलू दास की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और शव को आंगन में दफना दिया। ग्रामीणों की माने तो कैलू दास अपनी पत्नी सरिता देवी, बेटी जूली कुमारी और छोटा बेटा के साथ मिलकर होटल और किराने की दुकान चलाता था। होटल पर सरिता देवी और बेटी जूली से पलवा गांव निवासी दिनेश यादव की मुलाकात हुई और कुछ ही दिनों के बाद दिनेश यादव का सरिता देवी और बेटी जूली दोनों से अवैध संबंध बन गया। और एक दिन केलू दास ने पत्नी सरिता देवी, बेटी जूली दोनों को प्रेमी दिनेश यादव के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया। 8 जुलाई को मां बेटी प्रेमी दिनेश यादव ने मिलकर केलू दास की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और शव को आंगन में दफना दिया। 10 जुलाई को ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि केलू दास के आंगन से दुर्गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर और आंगन से खुदाई कर केलू दास का शव बाहर निकाला। पुलिसिया पूछताछ में मां बेटी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। प्रेमी दिनेश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। शायद अब आप समझ ही गए होंगे, कोई किसी का नहीं ये झूठे रिश्ते नाते हैं, इन रिश्तों का क्या।